हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमेज़न रिवर में रहने वाले मोस्ट डेडलीस्ट क्रीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, इस प्राणी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होता है, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है जिससे आप इसका खतरनाक स्वरूप देख ही सकते हैं। दोस्तों, एनाकोंडा भी अमेज़न रिवर में रहने वाला एक खतरनाक जीव है जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है और इसकी मोटाई 12 इंच से भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, एनाकोंडा जहरीला सांप तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर वो शिकार की गर्दन को निशाना बनाते हैं और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निगल जाते हैं। ब्लैक कैमन। दोस्तों, ब्लैक कैमन मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है और ज्यादातर ये जीव कम पानी के बहाव वाले इलाके में और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक कैमन को अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी भी माना जाता है और ज्यादातर ये मछलियों को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव भी अगर इसके इलाके में आ जाए तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। दोस्तों, कई बार तो यह एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक कैमन जमीनी रंग के होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को पता भी नहीं लगने देते। दोस्तों, इसके पास तेज धार वाले नुकीले दांत होते हैं जो किसी को भी चंद सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, भले ही आपको ये खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको ये अच्छा दिख रहा है ये उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, अमेज़न में पाए जाने वाले ये मेंढक जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार की इसकी प्रजातियां पाई जाती है जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। दोस्तों, खास करके ये जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और वहाँ रह रहे स्थानीय लोगों को और घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूर ही रहते हैं। और अगर आपको जान प्यारी है तो इससे दूर ही रहना चाहिए। एरापाइमा। दोस्तों, अमेज़न रिवर की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है और इसकी लंबाई 10 से 15 फीट हो सकती है और इसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इस मछली की खासियत शरीर की अनोखी रचना है और इसका स्कल बुलेट प्रूफ जैसे जितना मजबूत होता है। दोस्तों, इसके पास पिराना मछली जैसे दांत नहीं होते और इसकी वजह से ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है और ज्यादातर ये छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाना पसंद करती है और कभी कभी नदी के करीब रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेती है। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, अमेज़न में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अमेज़न जंगल की नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल लगती है। दोस्तों, अगर इस मछली की बात करें तो इसकी लंबाई 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होती है और इलेक्ट्रिक ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का उपयोग करती है और खास बात तो ये है कि ये बिजली खुद ही बनाती है। दोस्तों, ये मछली 600 वोल्ट जितना करंट छोड़ती है और इसका करंट काफी है किसी भी इंसान की सांसों को रोकने के लिए और चंद सेकंडों में मौत के घाट उतारने के लिए। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।